फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी में एक नई न्यूज आ चुकी है आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है, रेलवे ग्रुप डी में एक नई न्यूज आ चुकी है। यहाँ पर एक न्यूज है आप लोगों के लिए कि अब जो है 30 नंबर पर आपको जॉब मिलेगी, यानी कि अगर आपके 30 नंबर रेलवे ग्रुप डी में बन रहे हैं फिलहाल तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 30 नंबर अगर आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं तब भी आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो भी आपको जॉब मिल जाएगी ग्रुप डी में, आप क्वालिफाइंग मार्क क्लियर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है कि वो न्यूज़ क्या है। देखिए वैसे तो ग्रुप डी में क्या बात है, कैसे आपके अगर 30 नंबर आ गए तो आप लोगों की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो देखिए वैसे तो ग्रुप डी में क्या होता है, मिनिमम मार्क्स के लिए मिनिमम मार्क्स की कुछ शर्तें हैं इसमें, मतलब उसमें दिखाया गया था आपके मिनिमम मार्क की, आपके मिनिमम मार्क कितने होने चाहिए। ये एक ऑफिशियल नोटिस में आया था कि आपके मिनिमम मार्क्स इतने होंगे तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। तो देखिए जनरल की 40 थी, ओबीसी की 35, एससी की 30 चाहिए थे और एसटी के 20, यानी इतने आपके 20 मिनिमम मार्क हो, यानी इतने मिनिमम मार्क्स होंगे आपके तो आप लोग क्वालिफाइंग मार्क कर पाएंगे। यानी आपके मिनिमम मार्क्स 40 होने चाहिए जनरल अगर आप हैं तो, और उससे कम है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक न्यूज़ है, लेकिन ऐसी इसका पूरा मतलब आप सबको बताऊंगा और कैसे बताऊंगा कि कैसे अगर आपके 30 नंबर आ गए तो आप लोग कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। देखिए रिजल्ट आना भी बाकी है, अगर आपके अभी 35 नंबर बन रहे हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यार रोइए मत, क्योंकि क्या होता है कि अभी आप हार मत मानिए क्योंकि रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिजल्ट आपका 13 फरवरी को आ रहा है, ये सभी आप लोगों को पता होगा 13 फरवरी का रिजल्ट आ रहा है, तो आप लोग रिजल्ट का इंतजार कीजिए और लगभग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ क्या पता किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है, क्योंकि अपने नॉर्मलाइजेशन पर कोई वो नहीं है। देखिए अगर आप जनरल में हैं और आपके अगर 34 नंबर आ रहे हैं, यानी आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं और मिनिमम मार्क कहा गया है 40 नंबर, लेकिन अगर आपके 34 नंबर आ रहे हैं तो यार टेंशन मत लो, क्योंकि देखिए पेपर हार्ड आया होगा अगर आपके शिफ्ट का, अगर आपके 34 नंबर और पेपर अगर आपका हार्ड आया था शिफ्ट में तो आप लोग फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है ऐसी चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेपर में जो अगर पेपर आपका हार्ड आया तो आपके 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 30 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है 25 नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए आपको बताता हूँ कुछ एक अच्छी सी मतलब बात, देखिए एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए, अच्छी खबर भी कह सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हार्ड शिफ्ट वालों में 20 नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है जो नॉर्मलाइजेशन, ये इसमें जो पेपर अगर आपका हार्ड आया तो आपके नंबर जो है फ्रेंड्स वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके पेपर ईजी आए और आपके ज़्यादा नंबर आए हैं तो आपका नंबर कम कर दिया जाएगा, ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एएलपी में मेरा दोस्त था, उसके थे लगभग कम नंबर ही थे, बहुत ही कम नंबर थे, वो हार मान चुका था, लेकिन उसने यार कहा कि छोड़ो यार क्या पता किस्मत अच्छी हो, तो उसने तैयारी की, लेकिन उसका नॉर्मलाइजेशन में हुआ और उनसे 39 नंबर हो गए। और वो मेरा दोस्त है वो अब सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहा है, उसका पेपर भी है, तो देखिए उसके मतलब उसने हार नहीं मानी और उसके 19 नंबर बढ़ गए, पेपर उसका बहुत ही हार्ड आया था इसलिए उसने कहा मेरे नंबर कम आए थे। तो दोस्त आपके अगर 30 नंबर से भी कम आ रहे हैं या 30 नंबर ही आ रहे हैं आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आपका पेपर हार्ड आया था तो, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आप लोग कम से कम रनिंग तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स पिछला वीडियो हमने डिलीट कर दिया था कुछ कारणवश, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं जो कि नया व्हाट्सएप नंबर है 9616491267, और आप लोग कमेंट करके आपके मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी आपका सवाल हो, हम आपको एक ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे जिसपे ग्रुप डी से रिलेटेड सब आपको मिलेगी, ठीक है, मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, हमारे यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएगी और सारी न्यूज़ सबसे पहले मिलती है, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अलग अलग चैनल से और अलग अलग फ्रेंड्स से, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।